हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ मोबाइल डॉक्टर मिजानुर। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक रेडमी 8 मोबाइल है और इसमें फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम है। तो मैंने ऑलरेडी कुछ टेस्टिंग करके रखा है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन कैसे होगा वो मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाया। तो अभी देखिए, मैंने चार्जर लगाया तो देखिए थोड़ा सा एम्पियर ले रहा है और देखिए एम्पियर एकदम 0.2 मिली एम्पियर हो गया। यानी इस मोबाइल को अगर हम सारे दिन चार्जिंग पे लगा देंगे तो 1% भी चार्ज नहीं होगा। और ये मोबाइल एक दुकानदार से रिटर्न होके मेरे पास आया है और इस मोबाइल को हम बहुत ही बिजी टाइम में रिपेयर किया है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की टाइम नहीं मिला, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट टेस्टिंग आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप किए बिना देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम जीआर वैल्यू को चेक करेंगे। ये वीपैड की लाइन है और ये लगभग सही है, और ये वीबीएस की लाइन है यानी चार्जिंग का पॉजिटिव लाइन है और ये भी सही है। ये डीएम लाइन है और ये डीपी लाइन है, और ये देखिए डीएम डीपी लाइन शॉर्ट है। और इस मोबाइल में फेक चार्जिंग होने का मेन रीज़न यही है, डाटा लाइन में शॉर्टिंग की वजह से मोबाइल में फेक चार्जिंग हो रहा है। इस मोबाइल को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें डाटा लाइन की शॉर्टिंग निकालना पड़ेगा, तब ये मोबाइल सही से चार्ज हो पाएगा। और मैंने सीपीयू के ऊपर टारगेट किया है कि सीपीयू के अंदर ही डाटा लाइन शॉर्ट है। अब मैं आपको थ्योरी में समझाने के लिए एक बेसिक डायग्राम बनाया, वो देखिए। ये देखिए, मैं अभी जिस मोबाइल में रिपेयर कर रहा हूँ, इस मोबाइल में डाटा लाइन इस तरह से है। सब बोर्ड से इस कनेक्टर तक डाटा लाइन आते हैं, फिर ये लाइन डायरेक्टली सीपीयू तक कनेक्टेड है, और यहाँ दो रजिस्टर होके पीएमआईसी के अंदर कनेक्टेड है। और अभी हमने देखा कि डाटा लाइन शॉर्ट है, तो डाटा लाइन शॉर्ट होने की वजह सीपीयू ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ सीरीज में 300 ओम्स की रजिस्टर है। अगर पीएमआई शॉर्ट होगा तब भी डाटा लाइन में 300 ओम्स की रीडिंग मिलेगा, और अगर सीपीयू शॉर्ट होगा तो डाटा लाइन में शॉर्ट होना कंपलसरी है। तो मैंने डाटा लाइन में फुल शॉर्ट देखा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट सीपीयू के ऊपर टारगेट किया है। अगर आपके पास फेक चार्जिंग के लिए कोई मोबाइल आए तो सबसे पहले आप स्कीमेटिक में देखिए डाटा लाइन पावर आईसी के साथ कनेक्टेड है या नहीं। अगर कनेक्टेड है तो सबसे पहले पीसी के साथ कनेक्ट करके देखिए उसका डाटा लाइन सही से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि डाटा लाइन के बिना मोस्टली एंड्रॉयड मोबाइल में फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है। और ये वीडियो में हम चार्जिंग के रिलेटेड ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फ्यूचर में कभी मौका मिल जाए तो ज़रूर एक डिटेल के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम सीपीयू को निकाल के चेक करेंगे कि डाटा लाइन क्लियर हुआ कि नहीं। अगर सीपीयू में शॉर्ट होगा तो हम सीपीयू और एमएमसी को चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। Oh,
तो ये देखिए फ्रेंड, सीपीयू निकल देने के बाद डाटा लाइन क्लियर हो गए, तो इसका मतलब सीपीयू में ही शॉर्ट मिलेगा। देखिए फ्रेंड, सीपीयू में ही डाटा लाइन शॉर्ट है, तो ये सीपीयू रिवॉल करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए हम सीपीयू और ईएमएमसी को चेंज करेंगे। क्योंकि आपको पता होंगे कि ओनली सीपीयू या ओनली ईएमएमसी चेंज करने के लिए इंजीनियरिंग फाइल की ज़रूरत है, और मेरे पास एक दूसरा मोबाइल का सीपीयू ईएमएमसी है, तो हम दोनों को एक साथ लगा देंगे। देखिए मेरे पास जो कॉम्बो आईसी है उसमें से ईएमएमसी ख़राब है, फिर भी हम एक बार लगा के चेक करेंगे, क्योंकि ये माइक्रोन की ईएमएमसी है और माइक्रोन की ईएमएमसी कभी कभी बॉक्स में कनेक्ट नहीं होती है, पर मोबाइल में अच्छे से चलते हैं। We'll be right back.
ये देखिए, सीपीयू के अंदर एक बॉल मिसिंग है और मैंने एक टूटा हुआ मोबाइल से सीपीयू और ईएमसी को मैनेज किया है। तो अभी हम इसमें एक जंपर करेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा काम सक्सेस हो गया। अब हम चेक करेंगे कि इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, चार्ज भी सही से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें ये नॉलेज मिला कि अगर डाटा लाइन मिसिंग या शॉर्ट होगा तो मोबाइल में फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए जेन्युइन वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ।